Please support me daily new cross-dresses story in Hindi video come in 8:30 PM. Please follow me Facebook link in YouTube channel page. Please support me. संजना की कहानी भाग एक। देव चाचा हमेशा मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत उपयोगी। उन्होंने मुझे कॉलेज में प्रवेश प्राप्त करने में भी मदद की क्योंकि उनके पास कई क्षेत्रों में अच्छे संपर्क हैं। हमारे परिवार और देव चाचा के परिवार आसन घरों में रहने के लिए इस्तेमाल किया। वो अपने 40 और शादी के आसपास था। हमारे परिवार में मेरे लिल भाई माँ एंड पिताजी देव चाचा के परिवार के साथ लटकाए थे। अधिकांश त्योहारों के साथ हम एक साथ जश्न मनाने के लिए इस्तेमाल करते थे। मेरा नाम संजय है। मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश लिया और दूसरे वर्ष में था। जीवन अच्छी तरह से चल रहा था। मैं अध्ययन में अच्छा था। मेरे उज्जवल भविष्य देव चाचा को देखकर मुझे और इंजीनियरिंग ने औद्योगिक इंजीनियरिंग में प्रवेश लेने के लिए सुझाव दिया। जहां देव चाचा खुद एक उद्योगपति थे, मेरे पिताजी एक गोविच थे और मिठाई माँ एक घर की पत्नी थी। पिताजी हमेशा अपने लिल भाई को लेकर अध्ययन पर अध्ययन करते थे। जो 9वें STD में थे वह अध्ययन के लिए महत्व नहीं दे रहा था। मैं अपना अध्ययन लेता था। देव चाचा कभी भी एक बच्चा नहीं था। कुछ चिकित्सा जटिलताओं के कारण चाची में कोई बच्चा नहीं था, लेकिन उसने कभी डैक नहीं दिखाया। वह हमेशा एक खुश, हमेशा मुस्कुराता है, सकारात्मक व्यक्ति की तरह था। मैं उसके जैसे सपने को सपना था। निजी तौर पर मेरे पास बहुत कम करीबी दोस्त थे। मैं अपने अर्धसंगतने के साथ अपने अकेले समय का आनंद लेता था। पिछले 5 सालों से मैं माँ के कपड़ों में क्रॉस ड्रेस करता था और इसमें विशेषज्ञ बन गए हैं। कुछ दोस्त ऑनलाइन बनाया, मैं उनके साथ चैट करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास हमेशा मेरे परिवार को गिरने का एक सपना था। जहाँ परिवार से कोई मुझे स्तुति करेगा, ड्रेसिंग में मेरी मदद करो और मुझे उनके साथ तैयार रहें। लेकिन मुझे पता है कि मेरे परिवार को इन भावनाओं को कभी नहीं समझा जाएगा, इसलिए मैंने कभी साझा नहीं किया। जब भी मैं अकेला था, मैं कपड़े पहनता हूँ और आनंद लेता हूँ। मेरा FVV समय गर्मियों था, जहाँ मैं लगभग 15 दिन अकेले ही इस्तेमाल करता था। मेरे ग्रैंडपा और एमए हमारे घर के शहर में रहने के लिए इस्तेमाल किया और मेरे माता पिता के भाई केत के साथ हमेशा गृहनगर का दौरा करते हैं। मैं हमेशा घर पर रहता हूँ। केवल मेरी प्रचारों का कारण दे रहा हूँ। मैं 8वें STD के कुछ छात्रों के वर्गों को लेने के लिए इस्तेमाल किया, तो ग्रीष्मकाल में मैं कक्षाएं लेती थी और आराम दिन मेरा दिन था। जहाँ मैं तैयार था, घरेलू काम करते हैं, माँ को कॉपी करना, उसकी साड़ी पहनना, मैं भी पंजाबी पोशाक पहनना और पिताजी कोट को अपने पढ़ने के चश्मे डालने और मेरे छात्रों के लिए नोट तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया। मेरे पास अपने स्वयं के सामान का कुछ संग्रह भी था, बांध से अलग अलग लंबाई के कुछ विग, आंतरिक पहने और सौंदर्य प्रसाधन। इस साल गर्मी से मैं सभी करने की योजना बना रहा था। गर्मी की छुट्टी आने पर यह 1 महीने था। देव चाचा और उनकी पत्नी भी ग्रीष्मकाल में छुट्टी पर जाने के लिए इस्तेमाल किया। उनके पास अपने गृहनगर में एक खेत का घर भी है। हम सभी तीनों 4 बार गए थे। ये बगीचे के साथ बहुत ही सुंदर और खूबसूरती से सजाया गया था। ये रविवार था। पिता ने सभी टिकट बुक किए। मैं खेत का अध्ययन ले रहा था जब पिताजी को एक कॉल मिला। ये देव चाचा कारखाने से था। उन्होंने थोड़ी देर के लिए बात की, मैं उसकी अभिव्यक्ति बदल सकता हूँ। उसने फोन को नीचे डाल दिया और हम सभी को बुलाया और भयानक समाचार दिया। देव चाचा की कार एक दुर्घटना से मिले। वह अस्पताल में था और चाची ICU में थी। हम इस पर हॉलिंग अस्पताल में भाग गए। हमने डॉक्टर से बात की। चाचा की स्थिति वसूली योग्य थी, लेकिन चाची गंभीर थी। अगले हफ्ते डॉक्टरों ने अपने सबसे अच्छे प्रयास किए। हमने रोजाना प्रार्थना की, लेकिन दुर्भाग्य से हम चाची को बचा नहीं सका। देव चाचा और हमारे लिए यह बहुत कठिन समय था। पिताजी अपने टिकट रद्द करने के बारे में हैं, लेकिन देव चाचा ने उसे बताया। वो अपने गृहनगर को कुछ रिश्तेदारों को इस दर्द से चंगा करने के लिए यात्रा करेंगे ताकि पिताजी को यहाँ रहने की आवश्यकता न हो। पिताजी सहमत हैं और पूरे परिवार गृहनगर के पास गए। देव चाचा भी उसी दिन छोड़ दिया। मैं घर में अकेला था, लेकिन ये गर्मी मेरे लिए पूरी तरह से अलग थी। मैं ड्रेसिंग नहीं कर सकता क्योंकि मैं चाची के बारे में सोच रहा था हर समय और क्षण जो मैं उसके साथ बिताते हैं। उसका नाम अंजलि था और हम उसे अंजू अनी को कॉल करते थे। मैं शिक्षण छात्रों में केवल 2 दिन खर्च करता हूँ।
मैंने पोशाक नहीं की कक्षाओं के तीसरे दिन बाद देव चाचा ने फोन किया और मुझसे पूछा कि मेरे घर में जाने और अगर कोई भी नहीं तो मेल की जांच करें। हमारे पास हमेशा अपने घर की एक अतिरिक्त कुंजी थी। मैंने उसे हाँ बताया और उसे खुद की देखभाल करने के लिए कहा। उसने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे धन्यवाद दिया। अकेले देव के घर जा रहा है, जान अज्ञानी पता है कि वहां नहीं। मैं अलका था, असुविधाजनक था, लेकिन जैसा कि मैंने चाचा का वादा किया था। मैंने मुख्य दरवाजा खोला और अंदर चला गया। मैंने मेल की जांच की, केवल चाचा को केवल से कहा और उसे सूचित किया। कुछ तत्काल संदेश थे और वह आभारी थे कि मैंने उसे चेक किया और उससे कहा। आनी घर की अनुपस्थिति के कारण मैंने देखा, उसके बाद देखा गया और अशुद्ध था। मुझे अब कुछ नहीं करना था, इसलिए मैंने एक कपड़े लिया और धूल की शुरुआत की। मैंने घर को साफ किया, फर्श को भी साफ और साफ किया। मैं अंजलि आंटी के बेडरूम में गया और उसकी अलमारी खुली थी। मुझे नहीं पता कि मुझे इसे खोलने और उसके संग्रह की जांच करें, लेकिन मैंने किया। मैंने चेक किया और साड़ी, कपड़े और आभूषण के सुंदर विकल्पों को देख कर रखा। लगभग 2 घंटे में वहां गया था और फिर मैं अपने घर से बचाया। रात में मैं बिस्तर पर था, लेकिन अपने कपड़े की सोच से खुद को रोक नहीं सकता। मुझे पता था कि यह पूरी तरह से गलत था, लेकिन उन पहने हुए की इच्छा मजबूत हो रही थी और मैं उस रात ठीक से सो नहीं सकता। कक्षाओं के बाद अगले दिन मैंने अपने घर का दौरा किया, अलमारी खोला और इस बार कुछ साड़ी, गाउन और कपड़े महसूस किया। मैं मुझ पर कुछ कपड़े पकड़ता हूँ और दर्पण में देखा, लेकिन उन लोगों को पहनने के लिए साहस इकट्ठा नहीं कर सके, इसलिए मैंने सब कुछ जगह रखी और घर गए। और यह मेरे लिए दिनचर्या बन गया। घर में ड्रेसिंग के बजाय मैं चाचा हाउस की यात्रा करता हूँ और अंजलि चाची के कपड़े में अपने स्वयं की कल्पना करता था। हो सकता है क्योंकि मैं उसे बहुत याद कर रहा था, उसके कपड़े, उसकी अलमारी की घर और उसकी गंध मुझे आकर्षित कर रही थी। 6वें दिन मैंने कुछ साहसी दिखाया और मेरे क्रॉस ड्रेसिंग सामान के साथ अपने घर गए। सीधे बेडरूम में चला गया और खुद को उखाड़िया। पहली बात यह है कि मैंने कोशिश कर रहा था, उसका ब्लैक गाउन था। मैंने खुद को साफ किया, परम्पी पर डाल दिया। मेरे पास ये बहुत नर्म स्तन रूप थे जो मैंने पिछले साल ऑनलाइन खरीदा था। मैंने उन्हें मेरी ब्रा में व्यवस्थित किया, जैसा कि यह खुला गर्दन पोशाक था। मैं स्ट्रैपलेस ब्रा चुनते हैं। मेरे मध्यम बाल विग बाहर ले लिया, जैसा कि मैं हमेशा आधुनिक कपड़े पर छोटे बाल विग पसंद करता हूँ। इसे सिर पर रखो और इसे विग टेप के साथ तय किया। और आखिर में एक गाउन पहना था। मैंने अपने बालों को वापस दिखाया और मेरे पंजे के पीछे एक पीछे की क्लिप वापस खींच लिया। और यहाँ मैं अनली चाची में एक्सिस हाउस में पहन रहा हूँ। मुझे डर था, मैं खुश था, मैं उत्साहित था और एक ही समय में मैं जो कर रहा था उसके लिए दोषी था। मैंने कुछ समय के लिए मिरर में खुद को प्रशंसा की, मेरे चिकनी हानी हाथों और पैरों को देखा, मोती काय और हल्के श्रृंगार पर डाल दिया। यह आधुनिक पहली बार पहनने वाला था। मैं हमेशा साड़ी और पंजाबी कपड़े पहनता था, लेकिन यह अलग था। और मैं पूरी तरह से सोचा में खो दिया। मैंने अंजलि चाची की कल्पना करना शुरू कर दिया, वह उसे देखने के लिए क्या किया होगा, और अचानक ने गहरे ऊंची एड़ी पहनने के बारे में सोचा। मैंने ड्रेसिंग टेबल पर मेरी ब्लश ब्रश गिरा दिया और ऊंची एड़ी के जूते की खोज शुरू कर दिया। जैसा कि मैं इसे जूता रैक में नहीं देख सकता था, चाची ने इसे कहीं सुरक्षित बॉक्स में रखा होगा। मैं पागल की तरह खोज रहा था और अचानक मैंने मुझे देव चाचा को देखा था। दरवाजे पर खड़े मुझ पर देख रहा है, मेरे कपड़े और बालों पर सभी को गजींग में देख सकता हूँ कि वह पूरी तरह से दंग रह गया था और मैं अपने आप को समायोजित करने वाले मंजिल पर था। मेरे दिल की धड़कन और पसीना को नियंत्रित करना जारी रखा जाना चाहिए। अगर आपको किसी कहानी लिखना है तो मुझे फेसबुक में मैसेज कीजिएगा। स्टोरी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन ऑन में सेट कर दीजिए। टू मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी में।